हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब कुमार देब ने जाटों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जाट वोट बैंक को साधने के लिए संसद से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ रही है। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी की कोशिश है कि जाट वोट बैंक किसी एक पार्टी की तरफ ना जाकर पूरी तरह से बिखर जाए। इसी कोशिश में अब हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब कुमार देब ने एक अजब बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब जाट सीएम की बात आती है तो मैं कहता हूं पहले बीजेपी में एडमिशन तो ले लो, इसके बाद डिग्री की बात करो। उन्होंने कहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार और मनोहर लाल खट्टर की सरकार के लिए जुट जाओ। जी हाँ, कहीं ना कहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने जाटों को साफ तौर पर कहा है कि अगर हरियाणा में बीजेपी का जाट सीएम बनाना है तो पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होइए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ करिए, फिर अपना मुद्दा रखिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोदी और खट्टर की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए साथ आइए और सरकार बनाइए। फिलहाल अब आप खुद सुनिए बीजेपी प्रभारी बिप्लब कुमार देब का ये पूरा बयान। मैंने दो उदाहरण दिया जाट समाज से, दो सबसे बड़े जो व्यक्ति चौधरी चरण सिंह, इनको भी अपमान कांग्रेस ने किया। दूसरा हमारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के युवराज ने किया। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं बीजेपी मेरिट में चलता है, इसीलिए बिप्लब देब जैसा गरीब का किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनते हैं, मनोहर लाल जैसा खट्टर जी का जिसका घर नहीं है वो मुख्यमंत्री बनते हैं मेरे मित्रों। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, जब हमारे बहुत सारी जाट बंधु मेरे से मिलता है, बोलता है जो जाट मुख्यमंत्री वन चाहिए तब हम बीजेपी में आ जाएंगे, मैं कहता हूं अरे एडमिशन ही लिया, पहले तो एडमिशन ले लो बीजेपी में, आके हमारे क्लास वन में और उसमें भर्ती हो जाओ, एडमिशन ले लो, उसके बाद डिग्री की बात करो। आओ एडमिशन ले लो, मोदी जी के क्लास में आ जाओ, देखने अपने आप हम दुनिया के सामने सभी किसान को साबित करेंगे मेरे मित्रों। इसलिए मेरे सभी हरियाणा वासियों से निवेदन है, इस कार्यक्रम स्थल से हमारे सामने एक ही लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश को दुनिया के नंबर वन देश बनाना है और खट्टर जी के नेतृत्व में हमारे हरियाणा को तीसरी बार सरकार लाना है। तो सुना आपने किस तरह से बिप्लब कुमार देब जाटों को बीजेपी के साथ आने के लिए कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि पहले एडमिशन तो ले लो, फिर जाट सीएम भी बना देंगे। कहीं ना कहीं आपको पता है कि समय समय पर विभिन्न प्रकार के आंदोलन होते रहे हैं, जिसमें किसान आंदोलन हो, पहलवान आंदोलन हो और अन्य किसी प्रकार के बड़े आंदोलन हो, उसमें जाट समुदाय का अहम योगदान रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जाट समुदाय का जो वोट बैंक है वो अपनी तरफ खींचने में अभी तक नाकाम साबित हुई है। और उसी के मद्देनज़र हरियाणा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने अब ऐसा बयान देकर कहीं ना कहीं फिर से जाटों को साधने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।